आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ लाइव यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार आपके सामने फिर आए हैं एक नया मसला लेके, नया सब्जेक्ट लेके, नया टॉपिक लेके, जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भटनागर के साथ। आज का जो विषय हमने उठाया है इस लाइव शो में वो है एक करण थापर, एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, और शेखर गुप्ता जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम सारे बड़े अखबारों के एडिटर हैं, आजकल प्रिंट नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके कि वो एडिटर इन चीफ हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य जारी किए हैं मोदी की विक्ट्री यानी मोदी के जीत के बाद कि शायद उनको मोदी की जीत को पहचानने में भूल हो गई। इसी विषय पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी वजहें थी जिनको जिन पर उनको आज ये महसूस हुआ कि शायद उनसे ये भूल हो गई मोदी की 2019 की प्रचंड जीत को भांपने में, पता करने में और लोगों को बता पाने में। तो ये आज हमारा विषय है। पहले हम विषय को उठाने के चर्चा करने से पहले हम आज आपको अभी पहले ये दिखाते हैं कि करण थापर ने अपनी लेख में मोदी की जीत के बारे में क्या लिखा। और अगर आप देखें तो ये मोदी की जीत के बारे में उन्होंने लिखा कि आई एम स्टिल इम्प्रिजन्ड बाय द थॉट दैट मोदी हैज मेड पीपल लाइक मी इररिलेवेंट। यह करण थापर साहब ने कहा। करण थापर वो व्यक्ति हैं जिनके प्रोग्राम से जब मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे तो एक बार उठ के चले गए थे, उनके ऐसे कुछ सवाल थे जिनका उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उनका शो छोड़ के चले गए। और आपको दूसरा हम वक्तव्य दिखाते हैं शेखर गुप्ता का कि उन्होंने मोदी की जीत के बारे में अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले उन्होंने क्या कहा। शेखर गुप्ता जी ने कहा, आई हैव सरकार 2014 में जब बनी तो मीडिया दो धड़ों में बट गया। एक धड़ा वो जो मीडिया के प्रशंसक, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया जर्नलिस्ट थे, और दूसरा धड़ा वो लोग जिन्होंने मीडिया में रहते हुए मोदी की खिलाफत करी, मोदी के हर विचार को, मोदी की हर बात को, मोदी के हर फैसले को उन्होंने पैनी नज़र से देखते हुए उसको कंडेम किया। उन्होंने मीडिया में जिस प्रकार प्रशंसकों ने मीडिया में मोदी की कोई बुराई नहीं देखी, वैसे ही दूसरे धड़े ने, अगर मीडिया ने कोई अच्छे काम भी कर रहे थे तो उन्होंने मोदी की तारीफ में कुछ नहीं कहा। तो ये देखने को मिला कि टीवी चैनल्स, यानी कि ज़्यादातर टीवी चैनल्स ज़्यादातर मोदी के प्रशंसक दिखते रहे, और एक बड़ा वर्ग जो प्रिंट जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं वो मोदी के ज़्यादातर खिलाफ रहा, उन्होंने मोदी के कभी उनको सराहा नहीं। मैं, अश्विनी जी आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे ही यहाँ से शुरुआत करूँगा कि आप क्या ये मानते हैं कि ये दो धड़े 2014 से मोदी के खिलाफत में या मोदी के प्रशंसक के रूप में काम करते रहे? देखिए, ये लोकतंत्र है और यहाँ पे फ्री प्रेस है, और विचारों में कभी कभी मतभेद होना जरूरी भी है। और वैसे भी अगर जर्नलिज्म का इतिहास उठा के देखें तो कुछ पत्रकार हैं ऐसे जिनका एक कमिटमेंट, वो एक तरीके से देखते हैं, जैसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट से देखते थे। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं 47 से पहले की, उसके बाद कुछ पार्टीज पावर में आई और वैरिड व्यू पॉइंट्स होते थे। एक ही सिचुएशन है, उसको हर पत्रकार अपनी तरह से देखने के लिए पूरी तरह आजाद था, उसकी इसका उसका एक राइट था। हाँ, ये राइट तब तक एक्सरसाइज कर सकता था जब तक वो फैक्चुअली गलत ना हो। दीवार पे जो लिखा है अगर वो उससे पढ़ने से मना कर दे तब गलत है। शेखर गुप्ता और थापर साहब के साथ उनका मोदी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, और ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी भी है कि प्रेस अपनी ओपिनियन लिखे, वैरायटी ऑफ ओपिनियन लिखे, चाहे कोई भी पावर में हो, मोदी हो, एक्स वाई जेड कोई हो। लेकिन जब एक चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है
और आपके सामने बड़े बड़े शब्दों में दीवार पे लिखा हुआ है और आप उसको भी ना पढ़ें, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता या हेल्दी जर्नलिज्म नहीं है, बल्कि एक इंसिस्टेंस है कि मैं ऐसा देखता हूं, मेरी बात मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। तो जो आइवरी टावर में बैठ के अपना आंकलन करके और दूसरों पे उसको थोपना, मैं दोषी मानता हूं शेखर गुप्ता को और करण थापर ये को भी। आप तो उस जमाने में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में ही थे, जब दिलीप पंडगांवकर साहब जो संपादक थे उन्होंने ये कहा था कि आई एम द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। और क्या आपको लगता है कि ये दिलीप पंडगांवकर ने जब ये बात बोली थी तो हमारा अभी भी ये मीडिया है जो अपने आप को सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अभी भी समझता है? शायद बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड पोजीशन पर नहीं मानते, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको लगता है कि वो जो बताते हैं उसी हिसाब से सरकार चलती है, उनके इशारों पे चलती है, उनके उनके वैचारिक आधार पे चलती है। ये मुखालता बहुत सारे पत्रकारों को है, और जो ल्यूटन्स दिल्ली के जो जर्नलिस्ट कहे जाते हैं वो इस मुखालते के बेहद शिकार रहे हैं और आज भी हैं। अब मेरे को याद है जब दिलीप पाडगांवकर ने यह बात कही थी तो उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग बहुत जूनियर उस समय थे, लेकिन जूनियर्स ने भी जाके दिलीप पाडगांवकर से ये बात कही थी कि मैं आपको विद इन कोट्स बता रहा हूँ जो मैंने उनसे कहा था। मैंने उनसे कहा था, दिलीप हु डू यू थिंक यू आर, एंड दिलीप पुट अ हैंड ऑन माई शोल्डर एंड से आई एम एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आई सेड देन व्हाई डोंट यू रेस्ट इन पीस बाय जस्ट बीइंग एडिटर इन चीफ। तो बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, शरारत करते हो। सो एनीवे, मेरा कहने का है, जो सवाल मैं आपसे शुरुआती दौर पे मैंने कहा कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो उससे पहले उनके सामने कई सारे ऐसे मामले थे जिसकी वजह से कुछ दिल्ली के पत्रकार हमेशा से उनकी खिलाफत करते रहे। खिलाफत करना, जैसे आपने कहा कि कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, करना लेकिन चाहिए। एक एजेंडे के तौर पे खिलाफत करना शायद मुझे लगता है कि वो गलत होगा, कि हमने तय कर लिया है कि हम किसी एक व्यक्ति को सिर्फ सिर्फ हम उसी के बारे में, उसी के खिलाफ, उसी के बारे में, उसी की खिलाफत भरी बातें। देखिए, आप जो बात एजेंडा की कर रहे हैं ना, ये शेखर गुप्ता और करण थापर और योगेंद्र यादव ने भी अभी कुछ बयान दिए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि तो राजेश्वर योगेंद्र देसाई यादव कम से कम एक पत्रकार नहीं है, योगेंद्र यादव एक पॉलिटिशियन है, कॉलमिस्ट हैं, एक कभी कभी आते सेफोलॉजिस्ट हैं, हैं। उनको मैं इनकी कैटेगरी में नहीं लाऊंगा। नहीं, राजदीप ने कई बातें कही हैं, राजदीप सरदेसाई ने कई बातें कही हैं कि हाउ ही इज सॉरी, एंड गुजरात रॉयल्स को लेकर काफी बातें कही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ इतनी सी बात, हम इन पे आएंगे। पहले मैं बता दूं कि एजेंडा सेटिंग जो हुई 2014 के सामने, तो जो ल्यूटन्स दिल्ली की एजेंडा सेटिंग थी उसके ठीक विपरीत एक बड़े सशक्त रूप से जो सो कॉल्ड राइट विंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एजेंडा सेटिंग का मुद्दा एकदम फोरफ्रंट पे ले आया। अभी तक ये बैकरूम ऑपरेशन था, लेकिन मोदी का जो एक एक पर्सनालिटी रही है, उनका कार्य करने का तरीका रहा है कि वो कन्फ्रंट कर दिया उन्होंने लाके, टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स कि ठीक है तुम्हारा एजेंडा सेटिंग है, तुम बैकरूम बॉय हो, हम सामने आके कहते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। मैं माना, मैं आपकी बात मैंने कि बहुत सारे राइट विंग जर्नलिस्ट जो राइट विंग फिलोसफी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो मुखर हुए और बहुत उन्होंने मुखर हुए। बहुत सामने आया, उन्होंने अपना अपने तरीके का जर्नलिज्म भी किया। लेकिन मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद राइट विंगर जर्नलिस्ट नहीं कहे जा सकते, और उनको हम लेफ्ट टू द सेंटर भी नहीं कह सकते, हमको वो जर्नलिस्ट कह सकते हैं जो वो देखते हैं जो दिख रहा है, वो किसी एजेंडा से प्रभावित नहीं है, वो एक रिपोर्टर की तरह वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो दिख रहा है। और जब वो ऐसी बातें लिख रहे थे इसी चुनाव के दौरान तो उनको एक टैग दे दिया गया कि ये प्रो मोदी ब्रिगेड है, जी हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रो मोदी ब्रिगेड और एक एंटी मोदी ब्रिगेड, मैं जैसे आपके मैंने पहले कहा कि शायद वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के 6 महीने पहले बहुत जबरदस्त तरीके से पोजीशन ले ली थी बिल्कुल, कि ये वो लोग हैं जो प्रो मोदी हैं और ये वो लोग हैं जो एंटी मोदी हैं, और एंटी मोदी और प्रो मोदी वही काम करेंगे जो रिपोर्टिंग से डिफरेंट है, यानी कि जो रिएक्चुअल में स्टोरी दिख रही है वो ना देखने के बजाय। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे मोदी प्रशंसक चैनल्स ने या रिपोर्टर्स ने कभी कभी ये भी बातें दिखाई जो शायद ट्रुथ नहीं हो, जो शायद ग्राउंड पे सही ना हो, कि
ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार में जो हर काम हुआ उसके लोगों को दुख नहीं है, या जिसको दुश्वारियां नहीं थी, जिससे लोग परेशानी नहीं थी। मोदी प्रचंड जीत से जीतते जीतने के बाद आने के बाद भी ये तो नहीं कहा जाता, कहा जा सकता कि डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी को लागू करते वक्त इस देश में लोगों को परेशानी नहीं हो, ये तो नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि भले ही लोगों को परेशानी हो, परेशानी होने के बावजूद भी मोदी के प्रति उनकी आस्था ज्यादा है बजाय इसके कि ऑपोजिशन पार्टी किस तरीके से रिपोर्ट। देखिए देखिए आलोक जी, मैं उस सिलसिले में नहीं जा रहा हूं। आपने अभी एक बात कही कि कुछ जर्नलिस्ट प्रो मोदी थे और कुछ जर्नलिस्ट एंटी मोदी थे, पूरा एक क्लियर डिविजन हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि इन दोनों के बीच में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कहां है? अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की जरूरत है, नहीं तो और वो जर्नलिस्ट कहां है? आपने कैसे बांट दिया, कैसे कह रहे हैं आप ये बात कि आप अगर जो प्रो मोदी बात कर रहा है वो सही है, जो एंटी मोदी साकर बात कर रहा है वो गलत है। आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने जो कहा, मैं उसी बात को उठाता हूँ कि जो दिख रहा है, जो सामने हो रहा है, जो मेरे सामने सत्य है, ट्रुथ है, मैं उसकी रिपोर्टिंग करूं, यही तो आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल। वो रिपोर्टिंग अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सामने हो रहा है वो मोदी के हक में, और सपोज करिए वो जर्नलिस्ट मैं हूं और मैं अगर वैसी रिपोर्टिंग करता हूं तो मैं शक के घेरे में हूं कि लगता है कि ये मोदी के समर्थक जर्नलिस्ट हैं। सही बात कह रहे हैं। उसके अलावा ये भी तो कहा जा सकता है कि जो लोग उन निगाह से मोदी की तस्वीर देख रहे हैं देश में, जहां पे उनको ये महसूस हो रहा है कि वो नहीं हो रहा जो उनको दिख रहा है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो दिख रहा है जो वो देखना चाहते हैं, यानी कि मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैं अगर मोदी के प्रति मेरा थोड़ा सा झुकाव है तो मैं लगभग वो चीजें देखना चाहूंगा जो उनके हक में जाती। देखिए मेरा मानना बहुत साफ है कि इस चुनाव के दौरान आप राइट विंग हो, रेड विंग हो, कोई विंग हो, अगर मोदी चुनाव जीत रहे थे तो हर एक आदमी को ये लिखना चाहिए था कि चुनाव जीत रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं था कि मेरी लीनिंग कहां है, क्योंकि जो मैं लेफ्ट विंग हूं, अगर मान लीजिए अगर मैं लेफ्ट विंग हूं तो मैं अपनी तकरीरों में उसको कहूं मैं लेफ्ट विंग हूं, मैं सोशलिस्ट हूं, मैं समाजवादी हूं, जो भी है, लेकिन जब मैं न्यूज रिपोर्ट करता हूं, चाहे अखबार में करूं या टेलीविजन में करूं, तो आई हैव टू बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। आलोक जी, ये जो शेखर गुप्ता ने और थापर साहब ने लिखा है, मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए एक मी टू मूवमेंट है। मी टू मूवमेंट एक ऐसा क्षण है कि मैं ठगा से खड़ा हूं, जैसे कि अभी हाल में आपने मी टू देखा था, जिसमें कि कुछ महिलाओं ने आके अपने सीनियर्स के आरोप लगाए थे, शोषण के आरोप लगाए थे, छेड़खानी के आरोप लगाए थे। इनके बयान पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ मी टू हुआ है, और मी टू के संदर्भ में प्रोफेशनल एथिक्स के संबंध में, मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ लगातार छेड़खानी हो रही है। और क्योंकि ये लोग ऐसी स्थिति में हैं, पोजिशन ऑफ पावर में हैं, और उस पोजिशन ऑफ पावर को इन्होंने इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपना डिस्कोर्स, अपनी खम ख्याली अपने रीडर्स पे थोपने की कोशिश की है। और एक झटके में आप एक आर्टिकल लिख के या अपनी एक बात करके आप उससे हाथ साफ कर लेना चाहते हैं कि करण थापर साहब ने कह दिया कि मैं नहीं देख पाया, बस बात खत्म। नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूं कि सबसे पहला रिएक्शन मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं, और मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं, सो आई कैन कॉल देम टू अकाउंट। और मैं कह रहा हूं कि शेखर गुप्ता जी, मेरे साथ आपने मीटू किया है प्रोफेशनल एथिक्स के संदर्भ में, करण थापर जी, आपने मेरे साथ मीटू मूवमेंट किया है। ये बड़ी हैरत की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो है जो हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो यूट्यूब में अवेलेबल है, जहां पे शेखर गुप्ता जी अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपनी कुछ बातें रखी। उसमें एक बात उन्होंने रखी कि जब मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा था तो उन्होंने बार बार हवाला दे रहे थे अपने फोन का, जिसमें कह रहे थे मेरे पास 60 वीडियोज है। तो आज वो हवाला आप दे रहे हैं, इससे पहले आपने उस हवाले को नहीं दिया कि अगर आपके पास वो 60 वीडियोज थे और आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो इस देश के इतने बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शन, देखिए 60 वीडियोज का कोई मतलब नहीं, मतलब है, लेकिन वो 60 वीडियोज को आपने छुपाया। छुपाया नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या शेखर गुप्ता जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और जब देख रहे थे तो क्या वो शतुरमुर्ग हो गए थे? डिड ही पुट हिज हेड इन द सैंड? वॉज ही बिहेविंग प्रोफेशनली बाय इग्नोरिंग दीज वीडियोज? यस ही वॉज। वाई डिड ही रिकॉर्ड द वीडियोज इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी उनको? और अगर जरूरत पड़ी थी, आप वहां पे बैठ के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कह रहे हैं कि रिपोर्टर गए और पूछा ढाबे वाले से और टैक्सी वाले से,
आपने भी तो पूछा, उन्होंने प्रणव रॉय के साथ घूम के पूरे देश हाँ। उन्होंने तो मोदी का इंटरव्यू भी किया शायद या नहीं किया, अखिलेश के साथ किया, बहुत सारे लोगों का। और जो अपनी रिपोर्ट वो दे रहे थे उस सब में वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत मोदी के लिए डिफिकल्ट है, बहुत मोदी के लिए टफ है, अर्थमेटिक कास्ट की बड़ी उनके खिलाफ में बहुत बारी बातें वो अपने तमाम सारी सीरीज में वो कहते रहे। देखिए ऐसा है कि जब हम प्रोफेशनल एक्टिविटी करने के लिए निकल सकते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, आंकलन में गलती हो जाती है, लेकिन अगर वो आंकलन में गलती किसी किसी वजह से हो गई है, एक सब आपने गलत आंकलन कर दिया लेकिन आपका इंटेंशन प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल तरीके से किया गया था, तो गलती माफ हो जाती है। ठीक है भाई, हो जाती है, सबसे गलती होती है, टू अर इज ह्यूमन, दैट्स ओके। एंड शेखर गुप्ता एंड करण थापर हैव अर्ड मेनी टाइम्स इन द पास्ट एंड एवरीबडी इज फॉरगॉटन एंड फॉरगिवन देम, लेकिन जब ये गलती किसी हम ख्याली और अपना एजेंडा, अपना एक एक एक, एक व्यू पॉइंट, जबरदस्ती फैक्ट्स आपके सामने है, मैंने कहा ना दीवार पे लिखा हुआ है, और आप दीवार पे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति से, दैट मीन्स योर पार्टी से मेरी ना इत्तेफाकी, हाउ डज इट मैटर? लेकिन फिर वो कहना चाहिए ना कि अगर मेरी ना इत्तेफाकी तो ये कहना चाहिए, उसमें एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस व्यक्ति की सोच, इस पार्टी की सोच से मुझे एतराज है। मेरा कहना यह है दोनों के बयान पढ़ने के बाद और जो गलती हुई है उनसे, और गलती तो चलिए मैं एक क्षण के लिए माफ भी कर दूं, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, क्या जरूरत थी वैसे? नहीं, पहली बात क्या लगता है कि इतने में से गलती हो गई, लेकिन इस गलती का एक्सप्लेनेशन इस समय देने की इन दोनों को क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी? मैं उसी पे आ रहा था। पहली बात, मेरे हिसाब से जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से सिनफुल है। ये उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है जिसका कि कोई भी क्षमा नहीं है, इसकी कोई प्राश्चित भी नहीं कर सकते वो, उस पाप की सजा उनको भुगतनी चाहिए। और वो सजा सीधी सीधी ये है, अगर उनके अंदर उस तरह की कॉन्शियंस है, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, प्रोफेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए कि कम से कम पत्रकारिता से संन्यास ले लें। मैं शेखर गुप्ता का बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं, करण थापर बहुत अच्छे होस्ट हैं, उनकी आप तारीफ तो करनी चाहिए, उन्होंने एक से एक एक्सपोजर किए हुए हैं, इंडिया टुडे में इंडियन एक्सप्रेस में कितना काम किया है। लेकिन आप मुझे एक खास बात बताइए, वो तो ठीक है वो संन्यास लेंगे नहीं लेंगे उनका काम है, आपकी जो डिमांड है शायद सुन लेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये कि शेखर गुप्ता जैसा व्यक्ति जो एक रिपोर्टर एडिटर है, उस व्यक्ति से ये क्यों गलती? क्या आपको मालूम है कि क्या वो पहले से उनका ये उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि उनको 2019 में मोदी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ही देखना है? देखिए शेखर गुप्ता कुछ भी माइंड बना ले या मैं कोई भी माइंड बना लूं, जनता जिसको वोट देगी वही पावर में आएगा, और जो ये मानता है कि वो नैरेटिव फिक्स कर सकता है, उसको दोबारा शिकस्त मिली है, 2014 में मिली थी, अब 2019 में मिली है, और क्योंकि ये दोबारा मिली है, वंस इज अ कोइंसिडेंस, सेकंड टाइम इट्स अ क्राइम, मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर थापर शुड जस्ट क्विट जर्नलिज्म, दे आर वेरी गुड एट सो मेनी अदर थिंग्स, जाइए किताब लिखिए, रिसर्च कीजिए, हम लोगों का किसी तरह मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइवरी टावर से उतर के अब आपको या तो ग्राउंड पे आइए या आइवरी टावर में बैठना बंद कर दीजिए। आइवरी टावर पे बैठना तो बंद हो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आदत पड़ गई है, लेकिन कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये सब लिखने के बाद क्या ऐसी उनकी कोई मंशा है कि अब जो पावर सेंटर है वो शायद अब बहुत साल हो जाएंगे दूर रहे, तो क्या देखिए आप देखिए करण थापर, मतलब आई एम अशेम्ड, आई एम कंप्लीटली अशेम्ड एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट दैट अ सीनियर कॉलीग हैज टू यूज वर्ड, हैज यूज वर्ड्स लाइक इम्प्रिजन्ड, आई एम इम्प्रिजन्ड, या व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रिजन्ड? फिर उन्होंने एक और पीस में लिखा था जब वो जो एपिसोड हुआ था जो आपने गुजरात वाले में सीएम जब थे तो वो गए थे वहां पर इंटरव्यू, उन्होंने उसके बाद अभी हाल ही में लिखा कि मैंने कई बार फोन किया, मैं शाह से मिलने गया, मैं फलां से मिलने गया, लेकिन आई वॉज वट वॉज द नीड मिस्टर थापर टू सक अप? आप क्यों लगे हुए थे ये देखने के लिए? आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए इस देश को, क्या सिर्फ एक टीवी शो ही है जिसके लिए आप अपना सारा का सारा जमीर बेच के, अपना ईमान बेच के, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगा के आप जाके कहेंगे कि भाई मेरे को तुम एक्सेस दो, मैं आपके कमरे में घुस सकूं,
यही पत्रकारिता है क्या? यही प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है? यही प्रोफेशनल एथिक्स है? व्हेन आई से दिस आलोक जी कि ये मेरे लिए मी टू मूवमेंट है, तो मैं इसलिए ये बात इसीलिए कहता हूं कि इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, जिस तरह से छेड़खानी की है जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ, जर्नलिस्टिक फैक्चुअल रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए उसके साथ, जिस तरह से एजेंडा पुशिंग की है, देखिए अक्टूबर 2018 में दैट इज जस्ट नॉट पार्डनेबल। अक्टूबर 2018 में शेखर गुप्ता जी ने एक लेख लिखा था, उसकी हेडलाइन थी व्हाई अ सेकंड टर्म फॉर मोदी सीम्स इफी। 2018 अक्टूबर में शेखर गुप्ता साहब के मन में बात साफ थी कि शायद सेकंड टर्म मोदी के लिए उनके दिमाग में उनकी अपनी एनालिसिस से नहीं संभव है, ये उनके हिसाब से लग रहा था उनको। देखिए आलोक जी, सीधी सी बात यह है कि हो सकता है मेरे दिमाग में भी यह हो कि इफी है, मोदी दोबारा आए ना आए, बहुत सारी चीजें हो सकती थी 18-19 के बीच में। नहीं, बेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप जब इस तरह की दैट इज अगेन स्पेक्युलेटिव, आप बेस की क्या बात करते हैं? उसने अपना लिखा। मेरा मानना यह है कि ये सब लिखने के बाद मुद्दा यह है, आप माफी क्यों मांगते घूम रहे हैं भाई? मेरा तो सिर्फ सीधी सीधी बात यह है कि आप एडमिट कर रहे हैं एक सेमिनार में बैठ के कि मेरे पास एविडेंस था और मैंने वो एविडेंस को इग्नोर कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, स्वाति चतुर्वेदी थी, सबा नकवी थी, अरफा खानम शेरवानी थी, उनके तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे। उन्होंने गोरखपुर का उनका मुझे वीडियो अभी भी याद है जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें वो गोरखनाथ मंदिर के बैक साइड में जहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वहां जाके उन्होंने सेलेक्टिव इंटरव्यूज किए और वहां से उन्होंने इस बात को जताने की कोशिश करी कि योगी यहां बहुत तकलीफ में, बिल्कुल यहां पे शायद उनके लिए बड़ा जीतना मुश्किल होगा। और बहुत सारे जगहों पे सबा नफी के मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मेरे को लग रहा है ये सब सीजन जर्नलिस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये कल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और सारे सीजन जर्नलिस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई वो ऐसे पत्रकार है जो बस कल आए और लिख के चले गए, लेकिन ऐसे सीजन जर्नलिस्ट से इतनी बड़ी मिस्टेक होना, जिसपे जो आप बार बार कह रहे हो, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं कि जब तस्वीर इतनी साफ बड़ी कैनवस पे दिखाई दे रही थी तो इन्होंने उसको पढ़ा नहीं, या पढ़ने के बावजूद भी इन्होंने उसको देखने का या इग्नोर कर दिया। ये तो साफ है और शेखर गुप्ता ने तो प्रूव किया, और मेरे को उसी से कि उन्होंने लगातार फोन लहरा के बताया कि मेरे पास एविडेंस था कि मोदी जीत रहा था, लेकिन मैं एविडेंस को पूरी तरह से मैंने तहखाने में डाल दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने पत्रकारिता के साथ बलात्कार किया है। मैं जो आपसे सवाल उठा रहा हूँ, जो और पत्रकार थे वो भी तो इग्नोर करते थे, शेखर गुप्ता एक वन। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्या सारे लोगों ने तो ये क्या था? क्या ये था कि मैं मोदी से चूंकि नफरत करता हूँ, या मोदी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, या मोदी को चूंकि मुझे पसंद नहीं करना है तो मैं मोदी की वेव को भी नहीं देखना चाहता, या मोदी के जीतने के जो जश्न होने वाला दिख रहा था उसको भी मैं इग्नोर करना चाहता हूँ? ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग करने का, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। मैं लगातार कह रहा हूं कि हमें जो भी मापदंड अपनाना चाहिए, हम चाहे राइट विंग की बात करें या लेफ्ट विंग की बात करें, सेंटर ऑफ बोथ किसी की बात करें, अगर हम पत्रकार की बात कर रहे हैं तो उसको उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड सिर्फ ये है कि आप प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो आप नहीं मानते, मैं ऐसा मानता हूं मैं, कि जो सारे टेलीविजन के पत्रकार थे वो भी तो स्टूडियो में बैठे हुए थे, वो कुछ जा रहे थे रिपोर्टिंग करने, ऐसा नहीं है, बट वो हमेशा सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, तो वो उनको कैसे वो दिख रहा था कि वो हमेशा से प्रचंड जीत, मोदी के लहर, मोदी के बारे में तारीफ, ऐसा उनके पास क्या चीज थी जिसमें उनको दिखाई दे रहा था? और लगातार मैं ये इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि प्रिंट और टेलीविजन के बीच में बहुत बड़ा डिवाइड था आपकी बात। प्रिंट का जर्नलिस्ट, मैं इंग्लिश जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जो मुफस्सिल जर्नलिस्ट था, जो हिंदी के अखबार का जर्नलिस्ट था, उसको तो दिखाई दे रहा था, तमाम सारे हिंदी के जो अखबार थे जो नॉर्थ इंडिया में छप रहे थे उनमें बराबर ये बात आ रही थी कि बहुत मुश्किल अखिलेश और मायावती को होने वाली है। और आपको याद होगा कि आपके पुराने साथी भी हैं, हमारे भी साथी हैं, दिलीप अवस्थी, वो दैनिक जागरण के संपादक भी थे, वो बार बार लिख रहे थे कि सब मीडिया के लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं वो इसको गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बार बार कहा कि कम से कम 60 सीटें क्योंकि कास्ट का और कम्युनिटी का या केमिस्ट्री नहीं जम रही है, और मायावती को, और बार बार उन्होंने ये भी कहा कि मायावती को उसको फायदा होगा, अखिलेश को बहुत नुकसान होगा। तो ये जो
दिलीप अवस्थी जो फॉरवर्ड जर्नलिस्ट ऑफ दैनिक जागरण, उनको अपने आर्टिकल्स में और उनके रिपोर्टर्स में उनको दिख रहा था, ये कैसे हुआ कि जो दिल्ली का जर्नलिस्ट जा रहा था उसको वो कुछ नहीं दिख रहा था? दिख सब रहा था। और ये बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जगह की बात मैं कर रहा हूं। या दिख सबको सब कुछ रहा था, और लेकिन वो होपिंग अगेंस्ट होप के हिसाब की हमारे पसंदीदा प्रधानमंत्री अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री बेकार है। तो वो उस चक्कर में कि हम एजेंडा सेटिंग करके अपने हिसाब से एक नैरेटिव बना देंगे जिसको लोग, मतलब ये तो बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात आप ये कह रहे हैं। इसका मतलब कि जर्नलिस्ट अब इस देश में ये भी तय करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये आप कह रहे हैं? दिलीप पाटगुनकर को तो आप ही ने कोट किया है। नहीं, मैंने तो कोट किया, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं बिगाड़ते हैं, उन्होंने ये कहा था कि आई एम द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। शायद दिलीप का मतलब यह था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बिगाड़ सकते हैं, बना बन को ही जाए। लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा अब रहा है कि अब जब नेक्स्ट बात आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट आई है, वो यह कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में जिस प्रकार से ये जो दो धड़ हो गए, एक है प्रशंसकों का जो कि मोदी की सिर्फ अच्छाइयां देख सकते हैं, उन्हें उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती, और दूसरा धड़ा वो है जिसमें मोदी को वो सिर्फ एक ऐसी निगाह से देख सकते हैं जो कि सिर्फ गलत काम कर सकते हैं, उनमें उनको कोई भी प्रशंसनीय काम उनका नहीं दिखता। ये एक डेमोक्रेसी के लिए, जो हम कहते हैं कि फोर्थ पिलर है मीडिया, वो कितना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है? क्योंकि हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के अधिकार में क्या एजेंडा के मुताबिक किसी को हम क्रिटिसाइज करेंगे या उसकी निंदा करेंगे, और क्या एजेंडा के ही तहत हम किसी की प्रशंसा करेंगे? क्या हम ये ट्रुथ, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड पे जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, उसको हम इग्नोर करते रहेंगे? आलोक जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ग्राउंड पे जो चल रहा है उसको पत्रकार इग्नोर कर दे। अगर उसको इग्नोर कर देगा तो फिर वो पत्रकार किस बात का। लेकिन मैं लगातार ही देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, 12 साल से, 2008-09 के आसपास से मेरे को ये महसूस होने लगा कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो माहौल है जर्नलिज्म का, वो बदल गया। और आपको मालूम ही है, इसलिए मैं ऑप्ट आउट कर गया। मैं पिछले 10 साल से मैंने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म नहीं किया है, क्योंकि मैं फिट नहीं हूं। कॉलमनिस्ट तो हैं आप, पत्रकार? कॉलम लिखता हूँ, कभी कभी लिखता हूँ, लेकिन बात लगी कि आप प्रैक्टिसिंग, मैं एडिटर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं हर आदमी फॉर्मर एडिटर तो होता ही है, नहीं, लेकिन और दूसरी बात है कि मैं उस ट्रैपिंग में भी नहीं गया कि मैं एडिटर हूं तो एडिटर बना रहा हूं, और उसके लिए अगर मेरे को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मैं करता रहा हूं। मैंने कहा नहीं करना मेरे को। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे, आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो या सरकार, हर सरकार चाहती है कि जो मीडिया हो मेरे हिसाब से थोड़ा चले, थोड़ी नहीं तो मतलब थोड़ी बुराई करे लेकिन थोड़ी बढ़ाई भी कर दे हमारी। लेकिन बात यह है कि हमें अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप को अच्छी तरह हेल्दी तरीके से चलाना है तो सबसे पहले मीडिया हाउसेस को, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को स्पेस देनी पड़ेगी। आप देखिए पिछले 10 साल में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने यहाँ से हटा लिया है, और उन लोगों के लेके आए हैं जो कि इस तरह की एजेंडा सेटिंग करने में, इस तरह की एजेंडा सेटिंग बड़ी बेशर्मी से करते हैं। आपने टेलीविजन की बात की, ठीक है, वो सही हो गए, उन्होंने कहा कि मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टेलीविजन पे डिबेट चल रहे थे, अर्नब इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, कौन वो प्रोफेशनल एक्टिविटी थी? आप अप्रिशिएट कर सकते हैं मोदी को या अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन किसी को भी जिस तरह के वो हिस्टीरिया में आ जाते हैं, ये मैं तो प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं मानता, मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं है अर्नब मेरे हिसाब से। ये आप बात सही कह रहे हैं कि जो हमारे स्टूडियोज में जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा हिस्टीरिया आ जाता है। वो हिस्टीरिया इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद वही वाली वजह है कि मैं प्रशंसक हूं और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल और हिस्टेरिकल हो जाता हूं। आर यू श्योर दैट यू डोंट वांट टू बी अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट? नो, आई डोंट नो। ये तो मतलब अगर आप इमोशनल हैं तो फिर हम कहते हैं, मेरे ख्याल से प्रोफेशनल जर्नलिज्म की भी डेफिनेशन को, डेफिनेशन एक ही है बस, उसको चेंज नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से डेफिनेशन बदल सकती है नहीं, क्योंकि इस देश में अब जो सेक्युलरिज्म का माने है वो भी तो नहीं, सेक्युलरिज्म का माने नहीं बदला है, और अभी भी आप इंटरप्रिटेशन उसके बहुत सारे हो सकते हैं अपने अपने तरीके से। बात साफ हो रही है कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब
देखिए सेकुलरिज्म पे हम लोग कभी और डिबेट करेंगे जब मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं। में दिखता है वो इसलिए दिखता है, वो प्रिंट में दिखता है, वो हमारे अपने जर्नलिस्टिक वर्क में दिखता है, क्योंकि हमारी सारी डिबेट जो दो धड़ है वो दो धड़ की सबसे बड़ी विजय तो वही बड़ा मेन मुद्दा है, लेफ्ट और राइट का मुद्दा, इसीलिए मुद्दा है। और जो मुद्दा यही हिंदुस्तान में नहीं है, वो बहुत सारी कंट्रीज में है। आप ये तो कहते मानते ही है ना कि देखिए मोदी के ऊपर एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स यानी कि 2014-2019 में यही तो उनका चार्ज था, यही तो लोगों की परेशानी थी कि वो कहते थे कि मीडिया से वो बात नहीं करते। जब उनकी मर्जी होती है तो वो मीडिया से अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो मीडिया से डायरेक्टली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात नहीं करते। लेकिन जब 2019 का आपने इलेक्शन देखा तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चैनल नहीं बचा होगा, कोई भी ऐसा संपादक नहीं बचा होगा जिसको उन्होंने इस बार इंटरव्यू ना दिया हो। सबको इंटरव्यू दिल खोल के, जितना भी दिल खोल के बांट सकते हैं दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर वो क्रिटिक भी हैं कि साहब उनसे सवाल जवाब नहीं हो सकता, आप उनसे वो थोड़े से वो सवाल अनकंफर्टेबल नहीं पूछ सकते वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं जो उनके खिलाफ में हमारे पत्रकार, जितने भी हमारे पत्रकार के कॉलीग्स हैं या दोस्त हैं वो कहते हैं। लेकिन फिर भी ये बात ठीक है, आपको आपको हक है, आपको सवाल पूछना हक है, आपको क्रिटिक होना बहुत हक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जर्नलिस्टिक राइट है हमारा। लेकिन जो बात अभी आपके सामने हम लोगों ने डिस्कस करी कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट, एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट ना कि सिर्फ गलत साबित हुए, बट गलत साबित होने के बाद वो इसके लिए लगभग माफी भी मांग रहे हैं कि साहब हम वो देख नहीं पाए। तो मुझे आलोक जी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अटपटा नहीं लग रहा मेरे को, तो मेरे को इस पे तो बहुत बहुत रोष है, और इतना रोष है कि मैं चाह रहा था, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि देखिए हम शेखर गुप्ता हो या कोई हो, जब किसी सरकार कोई भी पार्टी हारती है इलेक्शन तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई इनको इस्तीफा देना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए, राहुल गांधी को ये करना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ शेखर गुप्ता जी, आपको क्या करना चाहिए? सोल सर्चिंग यस, पत्रकारिता से संन्यास लें क्यों नहीं? आप भी तो एक रोल मॉडल बनिए। मेरे जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं, हम और शेखर गुप्ता की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होगा, हो सकता है एक आध साल मेरे से जूनियर ही हो, लेकिन हम लोगों के जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, जो शेखर गुप्ता को एक अच्छा पत्रकार मानते थे, एक अच्छा लेखक मानते थे, लेकिन जिस तरह से आपने फोन घुमा घुमा के कहा कि मैंने इसको अनदेखा किया या अनबूझ के, और आपने जो भी लिखा वो तो ऐसी बातें कही जो मुझे लगता है कि बहुत सबको उन्होंने आईना दिखाया और उसमें खुद भी शामिल हुए, और ये बहुत मतलब ऐसा विषय है जिसको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि लोग पत्रकारिता ढाबे में बैठ के कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर लोकल लीडर से कर लेते हैं, किसी एक लीडर वहां के लोकल, ये सब वो खुद कर रहे हैं। तो ये वो बधाई सी बात है, वो जो बातें उन्होंने कही वो लगभग उन्होंने वही कहा जो शायद उन्होंने किया होगा इस बार। देखिए अगर वो एजेंडा सेटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले एजेंडा सेटिंग ये करें कि ही शुड मेक हिमसेल्फ एन एग्जांपल, कि मेरे से गलती हुई मैं क्षमा चाहता हूँ, और क्षमा के चक्कर में मैं जा रहा हूँ, पत्रकारिता नहीं करूंगा, मैं किताब लिखूंगा। चलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस विषय पे काफी अच्छे से चर्चा करी, और ये शेखर गुप्ता और करण थापर को शायद सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो उनसे ये गलतियां हुई और जिस प्रकार से किस तरह से जो सामने लिखी हुई तस्वीर थी वो कैसे नहीं देख पाए इतने सीजनड और सीनियर पत्रकार और जर्नलिस्ट होने के बाद, ये एक सोचने का विषय है। और जो सवाल आपने उठाए मुझे लगता है कि शेखर गुप्ता इस पे कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको शायद खुद भेज सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी वो कुछ ना कुछ हो सकता कहेंगे। लेकिन खैर ये बात सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ कुछ पत्रकारिता में दिखता है साफ कि हम दो धड़ों में बटे हुए हैं, या तो हम किसी के बहुत प्रशंसक हैं या हम किसी की बहुत निंदा करते हैं। शायद जर्नलिज्म का रिपोर्टिंग का काम है कि जो सही चीज है उसकी निंदा की जाए, जो सही चीज है उसकी प्रशंसा की जाए, और जो गलत चीज है उसकी निंदा की जाए, बगैर ये सोचे कि किसके बारे में और किस पार्टी के बारे में और किस सरकार के बारे में हो रही है, न कि हम सिलेक्टिव प्रशंसा करें और सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करें, ये शायद जर्नलिज्म के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने हमारे और अश्विनी भटनागर के बीच में इस हुई वार्ता को आपने सुना, हमें लगता है कि आप कुछ इसको आपने एंजॉय किया होगा, कुछ आपने समझा होगा, कुछ सोचा होगा। आपकी भी कोई राय ऐसे मामलों पे, पत्रकारिता के मामलों में हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और आप हमारे न्यूज चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। हमारा ये जो न्यूज ऐप है NY000Z, ये गूगल प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इस ऐप पर भी ये प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा हम
छोटे बड़े शहरों की 11 राज्यों से, हिंदी राज्यों से खबर लाते हैं। उन खबरों को भी आप वहां पे देख सकते हैं और अपने शहर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा YouTube चैनल और हमारी ऐप को देखते रहें, उसका एंजॉय करते रहें, उसकी खबरों को पढ़ते रहें, अपना क्रिटिसिज्म, अपनी प्रशंसा दोनों हम लोगों को भेजते रहें और अपनी राय जाहिर करते हैं। आपने इस प्रोग्राम को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।